नमस्कार, मैं हूँ मोनिका राठौर और आप देख रहे वॉइस ऑफ इस वक्त की अपडेट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने राज्य में बिजली संकट के लिए मुख्यमंत्री पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी के लोग ही ज्यादा बिजली की खपत कर रहे, उसके बिल की भरपाई आम लोगों से की जा रही है। सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भी तालिबान की तरह लोगों पर अत्याचार हो रहे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार को बिजली कटौती नजर नहीं आ रही है तो चश्मे का नंबर बदल ले। गांव में 5 से 6 दिन से बिजली नहीं है, शहर में भी दिन में 5 से 6 घंटे की बिजली आपूर्ति हो रही है। बीजेपी के सरकार में मनमाने बिजली के बिल वसूले जा रहे। कमला सरकार ने तो 1 रुपया यूनिट कम कर रखा था। बिना मीटर वालों के यहाँ 20,000 घर बंद है, कोई रहता नहीं है, फिर भी 3 लाख के बिल जा रहे। उन्होंने कहा कि जितने पावर का कनेक्शन है उससे ज्यादा के कनेक्शन का बिल आ रहा है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है कि बिजली संकट एक षड्यंत्र है, यह षड्यंत्र मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। आरएस सुधार नहीं सकते तो छोड़ दे, क्यों सत्ता में बैठे हैं? किसान के पुत्र होने का दावा करते हैं मगर चौतरफा किसानों से ही लूट हो रही। उन्होंने कहा कि गांव में अगर 20 से मोटर चलती है तो 12 के बिल ही नहीं आते, क्योंकि वह बीजेपी के नेताओं की होती है। दतिया भिंड मुरैना ग्वालियर में इस तरह से बिजली की चोरी हो रही है। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी के लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे और उसका बिल आम लोगों के माथे मारा जाता है। अधिकारी डर की वजह से कोई कार्रवाई नहीं करते। पूर्व मंत्री ने कहा कि राज्य में अराजकता है, मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा करने में लगे हैं। घोषणाओं का पूरा करने के लिए सरकार के पास पैसा भी नहीं है। सरकार ने 1 साल में 20,000 करोड़ का कर्ज बढ़ा दिया। ब्याज चुकाने के लिए भी सरकार कर्ज ले रही है। बीजेपी के मंत्री विधायक बजट खर्ची कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर लाठीचार्ज करा रही है। यह प्रजातंत्र का गला घोट रहा है। हिटलर के पद चिन्हों पर सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश में भी तालिबान की तरह असहाय निर्दोषों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये थी सुख की अपडेट। इसी तमाम जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑफ पीपल। जय हिंद, जय भारत।